आयोजक कैसा अच्छा लगे, कथा के आयोजक निमित मात्र बनकर प्रतिष्ठा पद पैसा किसी की परवाह न हो, और आयोजन करते 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 समय मिलते ही कथा भी सुने। महाराज आ कथा नहीं संभाला, हो भाई अपना दिन ही संभाला, अरे तो आंखों माताओं के लेट बैठो, नहीं इतना बड़ा आयोजन हो फिर भी कथा न छोड़े आयोजक, ऐसा आयोजक तुलसी को रास आएगा। व्यवस्थापक आयोजक सब निमित्त बनकर कथा में आए, और फिर अवसर मिले, हाँ जरूर काम हो तो आयोजक को पर बोझ होता है, जरूर कार्य तो करना ही, किसी को तो करना ही पड़ता है, लेकिन अवसर मिलते ही कथा श्रवण करने लगे, क्योंकि वो जाने कि कथा मुख्य है, सत्संग प्रधान। ऐसा है 24 घंटों भगवान के मंदिर के द्वार पर रहे, और उसको पूछो भगवान ने वाघा केवा पहले ये आपको ध्यान नहीं भाई, हूँ तो लोगों ध्यान रखते तो ये आपको ध्यान नहीं, भगवान ने केवा पहले पूजारी जान 9 दिन की कथा में क्या ये आपने कहीं खबर नहीं, डोल ले बस मारो माथो माथा ऊपर मारे दर्द न थे। आयोजन की एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, कथा में कुछ लोग आयोजक होते हैं, कुछ लोग आलोचक होते हैं, कुछ लोग आस्वादक होते हैं, पीते हैं, आलोचक भी होते हैं, इतने लोग बैठे रहते हैं और कुछ करते तो इतना खर्चा हो जाता है, कथा जैसी सस्ती चीज मेरे विश्व परिभ्रमण में मैंने नहीं देखी, इतने लोग सुने 4 घंटे और प्रसाद पाए, और फिर हिसाब लगाओ, मैंने एक बार हिसाब लगाया था, एक व्यक्ति को कितने में कथा पड़ती, 1 रुपये, हाँ 50 पैसे में कथा पड़ती, 9 दिन की कथा, इसमें तो प्रसाद, गाना, फिल्म का गाना, इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतनी सस्ती वस्तु कौन है। सत्संग का, सत्संग सस्ता नहीं, लेकिन सत्संग का कोई मूल्य नहीं, अमूल्य। जाओ थिएटर में, बागवान जोया हो जाओ तो बाप भाव का प्रश्न है। तो मैं वो रोटी कभी कभी सिम में जब निकलता हूं तो ले लेता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुझे पूछे बापू आपने रोटी ली, मैंने कहा मैंने एक बार रोटी ली, उनके लिए जिंदगी भर का आनंद हो गया। कितना कितना मुनाफा है, कितना कितना फायदेमंद प्रवृत्ति है भिक्षा। तो मैं तो माधोकरी का आदमी हूं, कहीं से शुभ मिलता है ले लेता, अच्छा लगा स्वीकार कर लिया। रामायण में लिखा है इसलिए संत हंस गुण गहि पय परिहरि वारि विकार, संत हंस गुण गहि पय
हरि हरि तो जहां से शुरू, मैं क्या बात कर रहा था, व्यास 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 की। हाँ बहुत घूमते हैं ना तो फिर भूल जाए कहाँ थे। વિકુદાન ભાઈ કહે કે લોક સાહિત્યમાં બીજી વાત પછી આપણે ભૂલી જાય ને પછી આપણે કહીએ પછી એનું વર્ણન ન થઈ શકે। તો મેં વ્યાસ જલંધર મેં થા તો વ્યાસ ગયા દેખા મેને સબ કુછ બાતે મુજે બહુત પ્રિય લગી ગ્રહણ યોગ્ય લગી। उसने कहा कि बापू विश्व में हमारी संस्था फैली हुई है, वो महाराज श्री ने मुझे बताया। हमारी बहुत आलोचना लोग करते हैं बहुत, लेकिन हम कभी किसी को भी आलोचना का खुलासा नहीं करते, नहीं कभी भी, जिसको जो कहना कहे। और हमारी जितनी निंदा हुई हो वो हम ब्लैक बोर्ड पर लिखकर जाहिर में रखते हैं ताकि कोई दर्शन को आए उसको कहते पहले पढ़ो, हमारे बारे में लोग ऐसा बोलते हैं, ये पढ़ने के बाद भी श्रद्धा हो तो आना वरना वहीं से सादर विदा। हम खुलासा नहीं करते और पहुंचा हुआ आदमी कभी किसी बात का खुलासा नहीं करता, क्यों करे भाई, अपना सच है। तो कोई निंदा करे तो यदि अपने को लागू होती है तो प्रेरणा लो, लागू ना होती हो तो डोंट माइंड, क्यों माइंड करे। माइंड इसीलिए है कि दूसरों की आलोचना पर चिंतन करे, माइंड है परमात्मा के मेडिटेशन के लिए, परमात्मा के ध्यान के लिए। दुनिया तो बोलेगी अब दुनिया को कैसे आप रिझाओ कैसे करो। मैं एक हमारे भागवत के वक्ता को सुन रहा था, उसने बहुत अच्छी बात कही कि परमात्मा को रिझाने के सभी उपाय शास्त्र में है लेकिन भगवान की बनाई दुनिया को रिझाने का एक भी उपाय नहीं। ऐसा करो तो ऐसा बोले, ऐसा करो तो ऐसा बोले, ऐसा करो तो पूरी पिरसो तो के रोटली न बनावे, रोटी परसो तो के बाजरी की रोटी नहीं, बाजरी की रोटी परसो तो के घी नहीं लगाया, घी लगाओ तो के घी वालू हूं क्या खाओ छो। शीरो बनाओ तो के शीरो बनायो, सुखड़ी करियो तो सुखड़ी बनाओ तो के तो पछी चूरमू करी ना आवतो जा तू घी नाख्यो तो नळिया नो भूको करीन खा। નળિયાનો ભૂકો કર, દંત મંજન કર અને હિંગાષ્ટકની ફાકીની જેમ એક બાકડો મારી જા, તને ન ધરાવી શકાય કોઈ, તુજે રીજાનો બડા મુશ્કેલ હે। સીતાને ઘોર જંગલમાં અમે પુત્રો જણાવ્યા છે અને કૃષ્ણના ભીલના બાણે અમે પોતે હણાવ્યા છે, કલમ ધ્રુજે કથા લખતા અમારી પાપ પોથીની મહાત્મા સંત ગાંધીને અમે પોતે હણાવ્યા છે, આ લોકના સાગરમાંથી કોઈ નાવથી તરશો નહીં અને દુનિયા તણા દો રંગના ધોખા કદી ધરશો। કોઈ નિંદા કરે ઉનકા ખુલાસા ક્યું, कोई आक्षेप करे उनका खुलासा पहुंचा हुआ आदमी नहीं करता, समयांतर पर जगत अपने आप समझ लेता है। बहुत कोई कहे तो नरसिंह मेहता की पंक्ति याद करो, एवा रे हमें एवा रे, तमे कहो छो वही एवा तेवा रे, भक्ति करता जो भ्रष्ट थईशु तो करीशु दामोदर नी सेवा, एवा रे हमें एवा रे। दुनिया के आगे क्यों जाए, आत्मनिवेदन हरि के सामने हो। असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे, असत्य प्रेम ने करुणा त्रणे भुवन त्रिभुवन छे, व्रजनी गोपी छू ने मारू वन रावण त्रिभुवन। प्रणाम, जय सियाराम। पूज्य श्री मुरारी बापू का 75वां वर्ष चल रहा है।
इसी उपलक्ष्य में हम प्रति शुक्रवार आपके सामने पूज्य बापू के जीवन के एक एक पहलू को उनकी ही वाणी में पेश कर रहे हैं। पूज्य बापू के अनुग्रह और चित्रकूट धाम ट्रस्ट तलगाजरड़ा और संगीतनी दुनिया मऊहा के सौजन्य से ये काम हो रहा है। हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।